जो मेहनत से पढ़ता है सफलता में उसका कद भी खूब बढ़ता है। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट ट्रेनर, लाइफ एंड बिजनेस। एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पैसा नहीं, प्रोडक्ट नहीं, मशीन नहीं, उसको मैनेज करने वाला जो मैन पावर चाहिए वो सबसे ज़्यादा। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि 4 R क्या होते हैं, 4 C क्या होते हैं, और मैन पावर को मैनेज करने के लिए कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप अपने कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के। कोको कोला का नाम आपने सुना होगा, बर्गर बनाने वाली कंपनी का नाम सुना होगा, दैट इज सबवे और बर्गर किंग, ये सब का नाम आपने सुना होगा। हालांकि अगर आप बर्गर बनाने की कंपनी में देखोगे ना, तो हो सकता है सबवे या बर्गर किंग से बेटर भी कोई आपका मोहल्ला वाला से बेटर बर्गर बना सकता है, लेकिन उसके जैसा पैसा नहीं कमा रहा है। और इसकी बर्गर जो है ना पूरे कंट्री में नहीं बिक रही, पता है क्यों? क्योंकि उनको तरीका है कि मैन पावर को कैसे मैनेज करते हैं, उनको ये प्रोसेस पता है, ये तरीका पता है, उनको हायरिंग, ट्रेनिंग और कल्चर देने का तरीका पता है, और ये से बर्गर बनाना जाए। मैन पावर को मैनेज करना नहीं, जितने भी MNC कंपनियां हैं आज, उनके कम से कम मैक्सिमम कंट्री में उनकी ऑफिसेज, कम से कम 10 से 20 कंपनी में तो कंट्री में ऑफिसेज तो जरूर होती हो। मैं आपको बताता हूँ आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 M क्या है। किसी कंपनी के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। पहला, पैसा, मनी। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए मनी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए, और मशीन, उस मटेरियल को बनाने के लिए एक टूल चाहिए होगा एक। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तीनों को मैनेज देख रहे हो ना, इन तीनों को मैनेज, ये आपको चाहिए मैन पावर। ये इंसान ही है जो इनको मैन मैनेज कर पाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 C क्या है। पहला, कंपिटेंसी, और दूसरा कमिटमेंट, और तीसरा कल्चर। ये वो 3 C है। कंपिटेंसी का मतलब हो गया दैट इज स्किल, कि आपको कौन सा स्किल रखना है। दूसरा, कमिटमेंट, कि आप कंपनी के तरफ कितना कमिटमेंट, कंपनी से सिर्फ लेना जानते हैं कि 9 बजे अगर बुलाया जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, 10 मिनट बाद पहुंचते हैं। और कल्चर, कल्चर पूरा का पूरा क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज स्ट्रांग है तो एक कंपनी ग्रो करता है। आपने इन सारे कंपनियां का नाम सुना होगा, जैसे कोको कोला। कोको कोला क्या करता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, जहां पर जनरली वाटर की जरूरत पड़ती है, सोडा की जरूरत पड़ती है, या फिर कह सकते हैं बॉटलिंग शुगर सिरप, कंसंट्रेटेड सिरप शुगर का जरूरत पड़ेगा, ये सब मटेरियल का जरूरत पड़ता है। टीम भी है इसके पास, पैसा भी है, लेकिन पता है क्या, कोई भी पर्सन इस तरह की खोल सकता है, 4 से 5 बॉटलिंग प्लांट खोल सकता है, लेकिन ये कोको कोला जैसा नहीं बन पाएगा। कोको कोला इतना पैसा नहीं कमा पाएगा, क्यों? क्योंकि कोको कोला को पता है कि मैन पावर को कैसे मैनेज, जिसके पास बंदा है वो उसी का धंधा चलता है। वो लोग बंदा खड़ा करते हैं और वो बंदा उनका धंधा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सब्बे, ये बर्गर बनाने वाली जितनी MNC हो गया, स्कूल में देख लीजिए DAV, इतना बड़ा ब्रांचेस आज है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, कैसे मैनेज, सब मैन पावर पे डिपेंड, बोलो मैन पावर पे डिपेंड कर, उनको ट्रेन कर रहे हैं बढ़िया से, और उसके बाद इतना ज्यादा ब्रांचेस खुल, बहुत सारे हैं, एजुकेशन का भी आप देखेंगे तो ब्रांचेस खुल रहे हैं। गूगल कंपनी में देख लीजिए, आज लगभग पूरे दुनिया में उसका बिजनेस चल रहा है, तो वो लोग अपने मैन पावर पर, अपने पर्सन पर इतना ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, और उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रीट करते हैं, ताकि वो उनका बिजनेस बढ़िया। ये सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चाहिए। पहला टॉपिक देख लीजिए, मैन पावर प्लानिंग हम लोग कैसे करें। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आपका कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना जरूरी है।
ऑर्गेनोग्राम भी हम लोग कहते हैं, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको मैनुअल भी कहते हैं कि हर काम का तरीका होना चाहिए, मैनुअल क्या होना चाहिए। फोर रिक्रूटमेंट कैसे हम लोग करें, फाइव रिक्रूटिंग हम लोग कैसे करें, सिक्स ट्रेनिंग कैसे लें, केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है, एट बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे बनाए, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, पेरोल कैसे हो सकता है, अप्रेजल कैसे हो सकता है, एम्प्लॉय पॉलिसीज क्या होगी, एम्प्लॉय इवोल्यूशन कैसे होता है, मोटिवेशन कैसे दिया जा सकता है, रिटेंशन हम लोग कैसे करके रखें कि हमारे एम्प्लॉय साल के लिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी आप देखते होंगे कि वहां पर एट्रिशन रेट नहीं है, कंपनी ज्यादा छोड़कर नहीं जाते हैं, वो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहां पर दिया जाता है। उसके बाद प्रमोशन क्या है, इंसेंटिव क्या है, रिवार्ड्स क्या है, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, या कोई पर्सन या रिटायर हो जाएगा या छोड़कर चला जाएगा या उनका प्रमोशन हो जाएगा तो उस जगह को कौन भरने वाला है, सक्सेशन प्लानिंग करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। 360 डिग्री फीडबैक हम कैसे ले, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे हम उसको फॉलो करें, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा इसकी सीरीज चलेगी, ये एक एक वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपकी एक ट्रक की आपने एक ट्रक खरीदा तो हो सकता है आप खुद चलाओगे, लेकिन हो सकता है फिर आपने 10 ट्रक और बना लिया तो आपने 10 ड्राइवर को और जा करके रख लिया, ये भी मैनेजेबल है। लेकिन 100 या 100 से ज़्यादा जब ट्रक आप खरीद तो आपको मैन पावर को मैनेज करने आना चाहिए और वो लोग आपके ट्रक को मैनेज कर, आपको ट्रक पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको मैन पावर पे दिमाग, अगर आपने मैन पावर पे दिमाग लगाना सीख लिया तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका थोड़ा सा काम जरूर आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये सब टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मुझे ये सब टॉपिक पे बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम कहीं अपनी अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।